कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है। विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्परम से और सारे जातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्म लोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, यही एक मंत्र अक्षर है, एक अक्षर का मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है, ओम से ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते हैं। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने, राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए हैं। अब बचपन से ही इनको एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे, और पहले हमारे माता पिता जो पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहिब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे।
ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहेब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया, जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहेब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका, उसने नानक साहेब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लगे और उनके दो पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे, घाट बना रखा था, प्रतिदिन नानक साहेब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे, राजा होते भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे। और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है, और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीब दास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुण्य प्रकट करवाई है, जैसा कि आपने कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा के बारहवा पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में 75 लिखा वैसे गलती से, संवत 1774 में वो प्रकट होगा, फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और बारहवें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ लेगा उसमें मैं ही आऊँगा, और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे, और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे, और नामदेव साहिब ने कहा था कि एजी एजी साधो मोए सार शब्द मोए पाया, मुझे अब सार शब्द मिल गया। गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम क्या ही जाप करता था, नामदेव जी छिपी जाति में थे, नामा छिपा ओम तारी पीछे सो हम भेद बिचारी, जो परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा अकेले से, एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा। फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो दो अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा, उस सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा। तब कहा था नामा छिपा ओम तारी पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बौर ना हुई। ये दो सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावें कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला, इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। अब सतनाम क्या है, दो अक्षर का है जो आपको दे रखा है, जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले तीन नाम देते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे
अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना हुए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना हुए, साकार परमात्मा अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे, वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंडपम्प लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का दो अक्षर का काम तो बोकी मारन का और पाइप नीचे ले जाने का इतना समझो, और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे, पानी तक पहुंच भी गई जल तक। और एंड पंप यो सार नाम है, ऊपर वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करण का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों दो अक्षर का काम समझ लो, पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंडपंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंडपंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे उस स्थान पे जहां जल है। और फिर ये सारनाम एक हैंडपंप, ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो नहीं कहा तू लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी। फिर के देखेगा उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा जब ये दास उचित समझेगा कि आप कि इस दो मंत्र के अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। वैसे दे भी दूंगा तो जपे जाइए कोई लाभ नहीं, तो इसमें जल्दी नहीं मचावे। आपके लिए है यू दास ने और क्या काम करना, यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी डिग्री भी आपको देनी ही देनी है, पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे। तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा, भी क्या कोई बात, दो दिन पीछे मिल जाएगा। अब फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं कि नानक साहिब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे, और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्माओं जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहाँ भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया कि तीन युगों में ना ले जाना, मालिक को पता था कि तीन युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज थे तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आओगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रेन मैटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे दो मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। तो नानक साहिब जी पिछले संस्कार से वहाँ बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था, उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ, और आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे।
1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, दानक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूँ जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे, उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी। राजा थे, फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि महर्षियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो ला आए नहीं, तो ये राजा बने पास कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवा दबाओ इनको। तो वहाँ वो जैसा भी करण लगे, यज्ञ या करण लगे हैं, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है, ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घने बड़े बड़े। मालिक ये चाहते थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे, ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, कहाँ से, काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुँच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला। नानक साहब जी बड़ी अच्छी आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा, आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, मैं तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूँ। जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहाँ आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति, वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी जब दोनों की, 20-30-50 सुबह सुबह का समय था। तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे ज्ञान बता दो। तब नानक साहब जी लगे बताने, जैसा बैजलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था, कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया, और गीता जी का नित पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है, और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो, मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। अक बोलो, आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी
अविनाशी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और 2 के अध्याय 2 के 12 में 10 के 2 में, इनमें यूँ गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूँ। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी हैं। अब नानक साहब जी के बाद के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण, हरे राम, सीताराम, राधे श्याम ये जाप करते हो, गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक। तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ हैं। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको। तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो, गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़े हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है। सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रश्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो परमात्मा कौन है मुझे वो बता दो। महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया, अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी,
तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए, पांच। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी हैं, और पांचवा ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे, ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता, ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कोई कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में, आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तोहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो, यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठ कर चल पड़े, कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा, और उठकर चल पड़े। अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता, वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त, ये कौन था, आपको गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो। तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धानक, और कबीर नाम था इसका, बकवाद करता है ये सारी। अब नानक साहब ने वहाँ जो, क्योंकि पुराना रंग ये आपको बताया पूरा रेगमार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता, अब परमात्मा रेगमार मार गे कती घिसा घिसा के, लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए, फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है, उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी, तक देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नाशवान है, इन स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा वैसे हुआ करे, वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है। अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी, और बार बार न्यू करा, हे भगवान, हे परमात्मा, एक बार वो फिर आवे, वो एक बार फिर आवे, और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच ये तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा, हमने कराना मोक्ष है, फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नाशवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने कभी, फिर खुल के चर्चा करूं उससे एक बार, आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने साल 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया, उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे,
और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ एक दो और भी नौकर जाते थे, वो उसके उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त, भक्त नहीं ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे ये भगत नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अपस्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और दो तीन मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहाँ प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है कुछ अविश्वास है, वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं, मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गए उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये सात दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी, और फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहाँ प्रकट हुए थे छुडानी गांव के जंगल में खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहाँ दिखाते हैं सबको। तो जब ऊपर जा रहे थे आगे जाके क्या देखा नानक साहब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा हुआ एक गुम्बज है सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है इतना बड़ा गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहाँ जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में उस पर चंवर करने लगे। नानक साहब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो,
अरिये के निराकार और नाम जपे अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष, असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जी शरीर में, उसमें समा गए वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तकत पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है, चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाहु अकबर कहते हैं, और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की, चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है, वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ, और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम दो अक्षर का है, और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। अब ऐसे इस स्थिति में 3 दिन बीत गए, उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई, समाचार पहुंच गया कि नानक साहब जी दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए, उन्होंने नानक साहब को डूबा जान लिया। गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, सभी भाग लिए, सभी दौड़ लिए, उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई, उनका जो बहन हुई था जयराम वो भी भाग गया। फिर जब पता चला कि वो तो पानी में बह गए हैं, तो नवाब से संपर्क साधा, क्योंकि नौकरी करता था नवाब के घर पर जयराम भी। श्री जयराम जी ने वहाँ जा कर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया, तो राजा ने नौकर भेज दिए, जाल लगाने वाले भेज दिए, इधर खोज रहे हैं, दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं पर नहीं मिले। सभी ने मान लिया, हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था, डूब कर मर गया। उधर से क्या हुआ, तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे, वहीं नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए, छोड़ दिए परमात्मा ने, वापस भेज दिया आत्मा, और शरीर से उठकर वो आ गए। सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए, ये डूब गए थे, डूब गए थे। नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, हम नहीं डूब सकते, हम सचखंड गए थे, हम सतलोक गए थे। और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था, संसार में रुचि नहीं रही, घर पे आ गए, बहुत कुछ कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए। वहाँ जा कर के क्या किया, जो भी कोई आया और उसको कहता रहा, वो गिनने लगे, 1, 2, 3, 13 से आगे भूल गए, 13, 13, 13, हे भगवान 13 है सब कुछ, किसको क्या दूँ, सब 13। वो मोदी खाने में नौकरी करते थे, सबको जो भी मेहनताना लेने आए, जब दाने कणक कुणक दिया करते थे, वो सारा ही लुटा दिया, खाली कर दिया, और बैठ के जाकर शमशान घाट पे वैसा ही वेशभूषा करके, जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने
आपका खजाना लुटा दिया, नवाब ने जांच बैठा दी और साथ में जयराम जी से कह दिया उसके बेनोई से कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूँगा, क्योंकि तू इसका जमानती है, तेरी शनाख्त पर हमने रखा है। ऐसा ही किया गया। जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 रुपये नानक साहिब के अधिक सरकार की ओर निकले। बोलो सतगुरुदेव। अब नवाब ने अपनी गलती का एहसास हुआ, नानक साहिब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा आप अपनी नौकरी करो और ये 760 रुपये आपके हमारी तरफ हैं, आप ले लीजिए। तब नानक साहिब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा, इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे। उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं, और वाहे गुरु और सतनाम, वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में अपनी अमर वाणी में बताया है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला। तो आंखों देखा बताया कि झांकी वेख कबीर की, सतलोक के अंदर नज़ारा देख कर कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने तो वहाँ देखा था सचखंड में कि वाहे गुरु हो ये नीचे से जो गए थे महात्मा ये हैं सचमूल, ये यही अकाल मूर्त, यही सतपुरुष, वाहे गुरु और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं। अब झांकी वेख कबीर की, जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते उपलक्ष्य में, जैसे राजस्थान की झांकी, राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्राली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी, तो वहाँ दिख बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है, यानी वहाँ का दृश्य, और अब पंजाब की झांकी, अब हरियाणा प्रांत की झांकी। तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की, सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था, कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु करन लग गए, भी कौन समझावे कि कौन मिला था उनको। ये मानते भी कोई नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे, ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था। नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिए कि मुझे गुरुजी मिले, दीक्षा दी नहीं, राखों देखा उनको गुरुजी को और परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है, उनकी पहले की भी वाणी है परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है। वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है। अब वहां से चल पड़े, सुल्तानपुर से चल पड़े, कहाँ को चले, बनारस की तरफ। पहली उदासी उनकी यात्रा, उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन होके, संसार से मन हटा के उदास होके और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े, उसको उदासी कहते हैं। कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी। अब रास्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो, तो जहाँ पर भी रास्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए। नानक साहिब जी प्रस्थान तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ, वहाँ प्रसन्न करते
उन्होंने फिर क्या किया, 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के, वो सप्त श्लोक की गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो, इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है। जैसे पुरतो मूलम अधः साखम, ये मूल परमात्मा कौन है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो परमेश्वर कौन है, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, इस तरह के उस परमात्मा ओम तत्सत का भेद बताओ, इस तरह के प्रश्न उन्होंने 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता के, वो सपत श्लोक की गीता कहने लग गए कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्जमान जाना होता है, तुम आना बताते हो, वो किसकी शरण में जाने को कहा है, इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए, कहीं उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा, उनको विश्वास नहीं था कि भगवान रिग्जुलाहा धारक के रूप में भी काम करता होगा, लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ। और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं, उनका बहुत बोलबाला था, 1400 ऋषि बना रखे थे प्रचारक, पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था। सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे। तो वहाँ पहुँच गए आदरणीय नानक साहिब जी, और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रश्न की कि स्वामी जी, मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जब वो प्रश्न उन्होंने किए, अब रामानंद जी ने कहा कि देखो, ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे, अब मुझे इनका ज्ञान हो गया। कैसे हो गया, कि मुझे परमात्मा मिले यहाँ आए हुए हैं वो भगवान, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया। वो कहते हैं मुझे गुरु, लेकिन हैं वो जगत गुरु, मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन वो जगत गुरु हैं, परमेश्वर आए हुए हैं, उनका कबीर नाम है, और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद। उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ, आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे। अब नानक साहिब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है, हाँ जी है, तो मुझे उनसे मिला दो। रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा दो, पंजाब से भक्त आए हैं पंजाबी। अब कबीर साहब को तो अनजानी जान थे, बैठ गए खड्डी में, कान लग रही है एक प्यारी आत्मा, घायल हो चुकी है वो, अब वहाँ बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं, और जिस रूप में वहाँ मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे, वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं, धानक का काम कर रहे हैं जुलाहे का। तब नानक साहब ने कहा था, ओहो, फाई सूरत मलुक्की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। ओहो, अब उनकी उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी हुई है, आपको सुनाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है और शब्द नंबर 29 है, 29। एक सुवान दुई सुवानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा और मूठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। फिर क्या कहा है, मैं पत की पेंद न करनी की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, ओए तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, और परघर जो ही नीच मनात,
काम क्रोद तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। अपनात्मा फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार। कून करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमात्मा, करतार माने सारी सृष्टि के रचनहार, हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम तू करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार ये पूरा बड़ा शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हो। और ये हमने अध्यात्मी ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है। अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ता। अपनात्मा क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा, जब वो कहने लगे कि ए लोगों, वहाँ आसपास जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध, और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे, ए रब बैठा, ए सारी सृष्टि का रचनहार बैठा, देख लो ये भगवान है। अब वो कॉलोनी वाले हंसे कि ये पंजाबी कहाँ से आके पागल हो गया, नीरू के पुत्र को भगवान बताता है। सब हंसकर चले गए कि इसके पास जो आता वो ऐसा ही बोलता है, पता नहीं क्या पिला देता है। अब वो सब चले गए, जब रह गए दोनों, तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ मैं। नानक साहब ने कहा जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की, मैं देख चुका हूँ आपको, असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है। परमात्मा ने कहा बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। नानक साहब की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आप जो करें सारी सत्य है। और नानक साहब जी ने कहा मुझे वो सतनाम दे दो, दया कर दो मुझ पर। वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है। तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले, ये किसी को बताएगा नहीं, तुझे नाम दे दूंगा। नानक साहब ने कहा कि तौबा मेरी, जिक्र भी नहीं करूंगा, आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को। तब परमात्मा ने उनको सतनाम दिया, दो अक्षर का, एक ओम है एक तत् सांकेतिक। अब धर्मदास जी को नाम दिया कवि परमेश्वर जी ने, उससे भी प्रतिज्ञा दिवा ली थी, धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये सारा प्रोसीजर आ जाता है, ये दोनों मंत्र और सार नाम। फिर स्पेशल कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाए। तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना। अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों देख रहे, इस लोक में दिल लगे नहीं, ये तो इतना बेकार स्थान है, उसको देखने के बाद इंसान यहाँ दो मिनट नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी। तो परमात्मा ने कहा आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे, गारंटी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, भक्ति करते रहो, लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो, तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने वहाँ से चले गए और जगह जगह प्रचार किया, सतलोक का वाणी बोली, लोगों को समझाया, 12 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको, हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की। और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियाँ भी आ गई थी,
ऐसा स्वाभाविक गुण है, जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी अस्थाई चुंबक बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, जब 12 वर्ष तक सब जगह घूम लिया, कोई माने नहीं, विरोध करें, यहाँ तक लिखा है उनके इतिहास में गुरु नानक देव जी की जीवनी में कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडवों के कहने से कि आपका पुत्र वर्मा विष्णु महेश को नाशवान बताता है, ये के पैदा हो गया तेरे पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था। लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे, वह किसकी माने आँखों देख रहे, और कहें देखा देखी, हम कहें आँखों देखी। अपनात्मा 12 वर्ष तक जब वो घूमते रहे, कोई सुना, कुछ एक न माना कुछ एक न नहीं माना, तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, समय थोड़ा है आपका, अब भक्ति करो, बैठ जाओ अपने एक स्थान पर रहो अपने आराम से। तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे, खेती भी करते थे और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे, बहुत से शिष्य भी बने उनके, अच्छी आत्माएँ थी। जो अपने आत्माओं, नानक साहेब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने, अब देखो वाहे गुरु ये क्यों बोले, झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, अब वाहे गुरु सतनाम, इस सतनाम से मोक्ष होगा, सतखंड प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, इतनी खुशी समागी दिल में, और वाहे गुरु देखो जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है परमात्मा का दिया हुआ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, और आपने इसकी कीमत की का ज्ञान को नहीं, उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का, और आपको जिनको तीनों मिल लिए उनको भी इतनी गद गद इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी। तो वो एक महान आत्मा होती है, वो एक कर्तज्ञ होते हैं, वो होती हैं, वो कहते हैं बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे उछा, वो बड़े बड़ाई करनी, हम बड़े पुरुष थे, वो महान आत्मा थी, और खुला नहीं समाया कोई हो, पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे, इतनी खुशी जहाँ जहाँ वाहे गुरु, यानी वो भूला नहीं जाता रहा। तो ये होती है अच्छी आत्माएं। अब क्या हुआ, एक बार मर्दाना और बाला उनके दो शिष्य थे, ज़्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी, और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे, उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती, किन किन से मिले, क्या क्या क्रियाएं वो करते थे, वो सब लिपिबद्ध कर गए, लिखे उन्होंने या बताए किसी को, वो लिख लिए गए। तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहिब की जन्म साखी, तो उस जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहिब जी कौन सा जाप करते थे, वो सतनाम के है दो अक्षर का, और ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव, और ये दूसरे जो ताराचंद वाले, धनोद वाले और ब्यास वाले, आगरा वाले, ये पांच नाम जाप करते हैं जो पांचों काल के, और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की, ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की, और बात करें हम भारत आवांगे।